बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत का सहानुभूति भरा फैसला सामने आया है। भरतपुर हत्याकांड के मृतकों के परिजनों को तुरंत बड़ी राहत दी है। मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए दी जाएगी आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री गहलोत ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा भी की है और कहा है भरतपुर के घाट मीका निवासी दो लोगों की हरियाणा में हत्या निंदनीय है। राजस्थान एवं हरियाणा पुलिस समन्वय बनाकर कार्रवाई भी कर रही है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है एवं शेष आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे हादसे के बाद बड़ा फैसला लिया और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की और इसी को लेकर के एक ट्वीट भी किया था। हमने आपको उस ट्वीट से भी रूबरू करवाया था। हालांकि बड़ी जानकारी इस मामले में यही कि कल मृतकों के परिवारजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचना वहां पर भी बताया जा रहा है, लेकिन समय फिलहाल साफ नहीं हो पाया कि किस समय वहां पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए मंत्री जाहिदा खान भी वहां पहुंची, क्योंकि समाज के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में और इतना ही नहीं कई गांव के लोग भी पहुंचे थे। इसके बाद पंचायत की गई जिसमें मंत्री जाहिदा खान पहुंची और उन्होंने जाना खासतौर पर पीड़ित जो दो युवक जो इस हादसे के बाद जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों से भी मुलाकात की और जाना कि आखिरकार उनकी क्या मांग है। और देखिए शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया और इसके बाद जो जानकारी मिल रही थी कि करीब 4 से 5 बजे के बीच सुपुर्दे खाक भी किया जाएगा। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है वो यही कि आर्थिक सहायता की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है और ये भी कहा है कि सख्त कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस को निर्देशित किया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के माध्यम से साफ किया कि जो भी आरोपी होंगे इस मामले में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, हालांकि ये जो मामला है वो बड़ा पेचीदा बनता हुआ दिखाई दिया क्योंकि इस मामले में कई थ्योरी सामने निकल कर आई जिससे मामला पेचीदा सा बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि जो भी आरोपी रहते हैं इस मामले में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ के बाद कई खुलासे होंगे और ये गुत्थी एक तरह की जो बन गई है वो भी सुलझेगी कि आखिरकार क्या पूरा मामला रहा। हालांकि परिवार के लोग अपहरण की बात कर रहे थे और उसके बाद जिंदा जलाने की बात भी परिवार के लोगों के द्वारा की गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, आप हमें लगातार जानकारी दे रहे थे, फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले की बात की जाए तो अब जो अंतिम निर्णय मंत्री जाहिदा खान के साथ पंचायत में जो हुआ था कि करीब 5 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया था कि सबों को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, उसको लेकर मंत्री जो हैं जाहिदा खान वो इस पंचायत समिति सभागार में बैठी हुई हैं। लगातार वो परिजनों के साथ संपर्क में हैं। जिला कलेक्टर जो हैं आलोक रंजन वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में उस समय का इंतजार किया जा रहा है कि जो 5 कब बचते हैं और सुपुर्दे खाक कब किया जाता है। तो ऐसे में कुछ लोगों का वहाँ विरोध देखा भी गया था और उन्होंने कहा था कि हम उनके निर्णय से नाखुश हैं। तो ऐसे में वहाँ विरोध जताने को लेकर कई 2-3 जो लोग थे वहाँ उनके परिजन थे उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा है कि और बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम भी फाइनल हुआ है, कल का कार्यक्रम यहाँ बताया जा रहा है। तो ऐसे में अभी 5 बजे का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि 5 बजे का टाइम परिजनों की तरफ से मंत्री को जाहिदा खान को दिया गया है। जी रवि, देखिए एक जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे क्योंकि जो परिवार के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने यहाँ बात की कि गोरक्षक दल के लोगों द्वारा अपहरण कर और हत्या करने की बात, जिंदा जलाने की बात कही गई। क्या परिवार की ओर से जो पुलिस में FIR दर्ज करवाई गई थी उसमें किन्हीं लोगों का नाम भी लिया गया था क्या रवि? देखिए, जो गोपालगढ़ थाने में जो परिजन थे उन्होंने जो FIR दर्ज कराई गई थी उसमें 8 से 10 लोग बताए गए थे और उसमें एक नाम था मोनू मानेसर का, उस नाम का उसमें जिक्र किया गया है। तो ऐसे में करीब 8 से 10 लोग जो FIR में वो नाम दर्ज कराए गए थे, हालांकि उनमें नाम सभी नाम नहीं थे, उसमें एक नाम जरूर था मोनू मानेसर का। तो ऐसे में मोनू मानेसर ने सुबह मीडिया के कई चैनलों पर इस बात को स्वीकार किया कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो परिजन है वो मोनू मानेसर का नाम ले रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की जो पुलिस है
गोपालगढ़ पुलिस है, इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो सब की सब है उसको सुपुर्द खाक करने के बाद ये बताया जा रहा है डीएनए के लिए जयपुर एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा इस पूरे मामले का। रवि, जिस आरोपी को हिरासत में लिया गया है उसका क्या नाम है और उससे पूछताछ कहाँ तक पहुंची है, इसके बाद पुलिस क्या कह रही है? ठीक है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं एसपी हमारी जो है श्याम सिंह, उनसे बात हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जांच की जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है मंत्री जायदा खान है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था पंचायत में कि एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है एक आरोपी को, और जो अन्य आरोपी है उनको पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा टीम बना दी गई है। तो ऐसे में साफ तौर पर इस बात को माना जा सकता है कि मंत्री जायदा खान इस पूरे मामले को लेकर गंभीर भी है, और पुलिस के अधिकारी किसी की बात की जाए या फिर जिला प्रशासन के अधिकारियों की बातचीत की जाए तो वो लगातार संपर्क में है। रवि, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सहानुभूति भरा फैसला, मंत्री भी गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन परिवार के लोगों की क्या पीड़ा है वो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि रवि आप लगातार वहां पहुंच रहे हैं। और रवि, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, जो ये पूरा हादसा हुआ है, सबसे पहले इसमें बात ये आ रही थी कि जो दोनों लोग हैं वो क्योंकि जा रहे थे और ससुराल वालों से अपने मिलने जा रहे थे, तो आपसे एक बार ये समझना चाहेंगे कि पूरा हादसा कैसे हुआ रवि, और उसके बाद अपडेट भी चाहेंगे। देखिए, मैं पहले पूछ लेता हूँ, कुछ लोग मौजूद हैं, कि ये बताइए कि जो परिजन है उनसे बातचीत हुई है कि उनकी क्या उनको लेकर जो परिजन है उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? परिजनों का पूरा विश्वास है मंत्री जी पे और अशोक गहलोत जी की सरकार पे, क्योंकि हमेशा मंत्री जी जो भी इलाके में ऐसी घटनाएं हुई हैं उनके साथ खड़ी रहती है, तो परिजनों से जानकारी ले गई, सब फैसले ले गए और पूरे तरह संतुष्ट है। देखिए, क्या ये माना जाए कि मंत्री जी के जो फैसले हैं वो परिजनों से बातचीत के बाद लिए गए? नहीं बोल पाओगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर लोगों उनका कहना है कि जो फैसले लिए गए थे पंचायत में वो परिजन थे नासिर के और जुनैद के, उनके जो फैसले थे उसके बाद लिए गए थे। बिल्कुल रवि, और लोग भी अब इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, अब लगातार पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, देखने वाली बात रहेगी क्या खुलासे इस मामले में होते हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका मैसेज जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हासिल। भरतपुर के कामा से खबर, घाट मीका के दो युवकों को जिंदा जलाने का प्रकरण, परिवार के लोग सुपुर्द खाक करने की तैयारी कर रहे हैं, दोनों शव का एक साथ गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा, मंत्री जाहिदा खान के आश्वासन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं परिवारजन। हालांकि बीच में कुछ लोगों ने सुपुर्द खाक करने से इनकार कर दिया था, गांव के मौजूदा लोगों ने सुपुर्द खाक करने को लेकर सहमति जताई है, शाम को 4 से 5 के बीच किया जा सकता है सुपुर्द खाक। पहाड़ी थानाधिकारी शिव लहरी मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद है, ये बड़ी जानकारी क्योंकि सहमति बनी है इस पूरे मामले पर। हालांकि बीच में कुछ लोगों द्वारा असहमति जताए जाने की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन फिर जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरह से मंत्री जाहिदा खान पहुंची समाज के लोगों के बीच में और पंचायत में भी पहुंची लोगों के बीच, इसके बाद परिवार के लोग मंत्री के आश्वासन के बाद कुछ संतुष्ट नजर आए, अब तैयारी की जा रही है सुपुर्द खाक करने की। हालांकि इस पूरे मामले में कई खुलासे होने हैं, जांच लगातार जारी है इस मामले में, लेकिन जो वक्त बताया जा रहा है शाम को 4 से 5 बजे के बीच सुपुर्द खाक जुनैद और नासिर, खासतौर पर जो नाम दो सामने आ रहे थे, हालांकि जो परिवार के लोग हैं वो मंत्री के पहुंचने के बाद जो वार्ता का दौर चला कुछ संतुष्ट दिखाई दिए। हालांकि 3 घंटे तक समाज के लोग एक जगह एकत्रित रहे, पंचायत की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है और ये साफ किया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं आर्थिक सहायता देने की परिवार के लोगों को घोषणा भी की है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल परिवार के लोगों से मिलने भी पहुंच रहे हैं जो जानकारी मिल रही है, लेकिन वक्त को लेकर के फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है किस समय पहुंचेंगे, लेकिन कल पहुंचेंगे परिवार के लोगों से मिलने के लिए। दो युवकों को जिंदा जलाने का प्रकरण, जब ये खबर सामने आई उसके बाद हड़कंप के हालात पैदा हुए, क्योंकि परिवार के लोग
लोगों के द्वारा FIR भी दर्ज कराई गई है और उनमें कई लोगों का नाम भी दिया गया है। पुलिस की जांच लगातार जारी इस मामले में। देखिए, जब किसी के घर में डेथ होती है, कोई घटना होती है, तो मुआवजा हमेशा रिएक्शन आता है, मांगते हैं। वो सारा मामला कलेक्टर और प्रशासन देख रहा है और वो जल्दी निपटा लिया जाएगा।